आज मैं आपको सिलाई मशीन का जो एक्सीलेटर है इसकी वायरिंग करके प्रैक्टिकल और डायग्राम दोनों के द्वारा बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आप इसकी वायरिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो सिलाई मशीन का जो एक्सीलेटर है जो कि मोटर को बंद चालू करने के लिए काम में आता है, तो यहाँ पे सबसे पीछे यहाँ पे चार स्क्रू दिए हुए हैं जिसको आपको टेस्टर या फिर फिक्सर्स की सहायता से चारों स्क्रू को ऐसे खोल देना है। और खोलने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके अंदर एक कैपेसिटर है, दो यहाँ पे पत्ती लगी हुई है और यहाँ पे हमारे पास एक थ्री पिन है और जिसकी वायरिंग यहाँ पे इसके साथ की हुई है। एक यहाँ पे हमारे पास थ्री पिन है जो कि मोटर की है। अब यहाँ पे इसकी वायरिंग को समझने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता लूँ कि आपके पास जो थ्री पिन है उसके अंदर से टोटल तीन वायर निकलते हैं। एक वायर जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग है जो कि किसी काम का नहीं है, केवल शॉर्ट सर्किट यदि हम बचना चाहते तो लोहे पर कहीं भी टच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो वायर रहते हैं, एक लाल और काला। तो लाल तो यहाँ पे ब्लेड के अंदर गया और जो काला है वो हमारा जो दूसरा जो वायर है उसके साथ और कैपेसिटर के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास जो थ्री पिन है जो कि मोटर की, उसके अंदर से तीन वायर निकलते हैं। इसकी वायरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वायर को तो ब्लेड के साथ लगाया है, दूसरा वायर हमने कैपेसिटर के साथ लगाया है और तीसरा वायर भी हमने कैपेसिटर के साथ लगाया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पे मैंने सभी को अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल जो वायर है उन दोनों वायर को हमने यहाँ पे ब्लेड से मिलाया है, काले को काले के साथ मिला के यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लगाया और यहाँ पे जो मोटर का एक जो ग्रीन वायर है उसको हमने कैपेसिटर के साथ लगाया। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो आप पिन देख सकते हैं इसको यहाँ पे खोल देता हूँ और इसके अंदर की वायरिंग भी बता लूँ तो यहाँ पे जो लाल है वो सबसे नीचे रहता है, काला बीच में रहता है और जो हरा है वो ऊपर रहता है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग पिन हो सकती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना होता है। और यहाँ पे जो बोल्ट आप देख सकते हैं वो ऐसे रहता है, मतलब इस साइड में लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस के अंदर जो ब्लेड थी वो ख़राब थी जो कि मैंने चेंज कर ली डायरेक्ट, हाँ मैंने डायरेक्ट इसको निकाला, इन स्क्रू को यहाँ पे चेंज कर ली है और यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग को भी सही से कंप्लीट करके यहाँ पे जो अर्थिंग है उसको मैं यहाँ पे स्क्रू के साथ लगा लेता हूँ और लगाने के बाद यहाँ पे फिट कर लेता हूँ क्योंकि ये सही हो चुका है। इसके अंदर जो ब्लेड है वो टूट गई थी जिसको मैंने सही कर लिया है। अब यदि आपको इसकी वायरिंग नहीं आती तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे थ्री पिन बनाई है, यहाँ पे एक एक्सीलेटर बना लिया जो कि यहाँ पे आप दो ब्लेड देख सकते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे एक थ्री पिन बनाई है जो कि मोटर की जो कि आपके सामने है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपके पास जो फेज की जो थ्री पिन है जिसके अंदर से लाल वायर को एक को आपको ब्लेड के साथ लगा लेना है और जो काला वायर एक है उसको आपको कैपेसिटर के साथ लगाना है और जो ग्रीन है वो अर्थिंग है तो वो आपको लोहे की बॉडी पर कहीं भी लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे मोटर की जो थ्री पिन है उसके अंदर जो लाल वायर है उसको यहाँ पे ब्लेड के साथ मिला लेना है, काले वायर को कैपेसिटर के साथ लगा लेना है और हरे वायर को भी यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लगा लेना है जिससे कि आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।